वेलकम टू सोशल। क्रिस्टन बेल एक आउटस्टैंडिंग एक्टर हैं हु इज नोन फॉर आइकॉनिक फिल्म्स लाइक बैटमैन ट्रायलॉजी, द प्रेस्टीज, अमेरिकन साइको, द फाइटर, फोर्ड वर्सेस फेरारी एंड मेनी मोर। क्रिस्टन इज पॉपुलर फॉर हिज मेथड एक्टिंग एंड कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस। वो हर फिल्म में एक नया कैरेक्टर प्ले करते हैं जहाँ समटाइम्स ही लूजेस वेट फॉर द कैरेक्टर एंड समटाइम्स ही गेन्स वेट फॉर इट। इसके अलावा भी क्रिस्टन अपने कैरेक्टर की हर स्मॉल डिटेल्स को इतना प्रिपेयर करते हैं दैट फ्रॉम द लुक्स टू द पर्सनैलिटी वो पूरी तरह से कैरेक्टर को रियल बना देते हैं। मैनी पीपल कॉल हिम द ग्रेटेस्ट मेथड एक्टर एंड सम कॉल हिम द कैमेलियन, क्योंकि ही जस्ट डजंट एक्ट एज द कैरेक्टर, ही बिकम्स द कैरेक्टर। सो दिस इज माय वाउ। All gods will die. इस वीडियो में हम आपको क्रिस्टन के बारे में 25 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस्टन कैसे 14 इयर्स की एज में एक एक्टिंग सेंसेशन बन गए थे, अमेरिकन साइको क्यों क्रिस्टन के लिए एक गेम चेंजर फिल्म थी, और वो अपने हर रोल को करने के पीछे क्या फिलॉसफी रखते हैं। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर वन, क्रिस्टन का बर्थ 30th जनवरी 1974 वेल्स इंग्लैंड में हुआ था। उनकी मदर जेनी जेम्स एक सर्कस परफॉर्मर रह चुकी हैं और उनके फादर डेविड बेल एक एंटरप्रेन्योर और सोशल एक्टिविस्ट थे। नंबर टू, क्रिस्टन एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। क्रिस्टन के ग्रैंडफादर एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया था। सिंस वी टोल्ड यू कि उनकी मदर एक सर्कस परफॉर्मर थी, तो उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी। उनकी फैमिली को हमेशा एक सिटी से दूसरी सिटी माइग्रेट करना पड़ता था। क्रिस्टन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो 15 इयर्स के थे तब वो 15 अलग सिटीज में रह चुके थे। बाद में उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए और क्रिस्टन ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर के साथ लॉस एंजलिस में रहेंगे। नंबर थ्री, क्रिस्टन को चाइल्डहुड से ही स्टेज पर परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने बहुत कम एज में ही बैले डांसिंग की ट्रेनिंग ले ली थी और डांसिंग के साथ साथ क्रिस्टन स्कूल प्लेज में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में काफी फेमस प्लेज में एक्टिंग की है और उनके साथ उनके सिस्टर भी एक्टिंग किया करती थी। इनफैक्ट जब क्रिस्टन के सिस्टर को एक फेमस म्यूजिकल में एक्टिंग करने का चांस मिला था तो क्रिस्टन को भी एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा। इसके बाद क्रिस्टन ने प्रोफेशनली थिएटर करना शुरू किया जहां बहुत यंग एज में ही उन्हें रोवन एटकिंसन यानी कि मिस्टर बीन के साथ प्ले करने का मौका मिला। इसके बाद क्रिस्टन बिकेम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एक्टिंग और वो एज अ चाइल्ड एक्टर ऑडिशंस देने लगे थे। नंबर फोर, क्रिस्टन ने अपना फिल्म डेब्यू किया एज अ चाइल्ड एक्टर इन अ फिल्म कॉल्ड एनास्टासिया। इसके बाद क्रिस्टन को चांस मिला टू वर्क विद द मास्टर फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग इन हिज फिल्म एम्पायर ऑफ द सन। फिल्म में क्रिस्टन लीडिंग रोल प्ले करते हैं और उस वक्त वो सिर्फ 14 इयर्स के थे। उनका सिलेक्शन कोई इजी प्रोसेस नहीं था, नीदर वॉज ही पॉपुलर एज अ चाइल्ड एक्टर। फिल्म के लिए पहले 4000 चाइल्ड एक्टर्स के ऑडिशन लिए गए थे और फिर जाके क्रिस्टन को उस रोल के लिए फाइनलाइज किया गया। नंबर फाइव, एम्पायर ऑफ सन एक हॉलीवुड क्लासिक है जो वर्ल्ड वॉर टू में सेट है जहां एक स्कूल बॉय अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। उसे अब वॉर के बीच अकेले सर्वाइव करना है और पूरी फिल्म में उनकी जर्नी दिखाई गई है। क्रिस्टन उस वक्त सिर्फ 14 इयर्स के थे और तब भी उन्होंने बिना किसी की मदद के इस रोल को प्रिपेयर किया था। स्पीलबर्ग एंड हिज क्रू वांटेड टू हेल्प हिम इन प्रिपेयरिंग द रोल, बट इवन बीइंग अ चाइल्ड एक्टर ही वाज श्योर कि वो अपने रोल को खुद प्रिपेयर कर लेंगे। द शोज की स्टार्टिंग से ही क्रिस्टन अपने रोल्स के लिए कितना सीरियस रहे हैं। जब फिल्म रिलीज हुई तो सबने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया एंड ही वाज कंसिडर्ड एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन हॉलीवुड। नंबर सिक्स, एम्पायर ऑफ सन से क्रिस्टन इंडस्ट्री में पॉपुलर हो गए। उनको नई मूवीज के ऑफर आने लगे और मीडिया उन पर बहुत फोकस करने लगी, लेकिन क्रिस्टन इस पॉपुलैरिटी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो मीडिया के अटेंशन से परेशान थे क्योंकि इसकी वजह से उनको स्कूल में बुली किया जाने लगा था। क्रिस्टन वॉज अ सेलिब्रिटी पर उन पर ऑलरेडी प्रेशर आने लगा था कि आगे वो कौन सी फिल्म चूज करेंगे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेड क्रिस्टन फील कि उन्हें एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए और उन्हें कुछ साल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। पर लकीली उन्हें हेनरी फाइव नाम की फिल्म ऑफर हुई जो उनके लिए एक लर्निंग की तरह थी। इस फिल्म में केनेथ ब्रनाग लीडिंग एक्टर थे जिनको क्रिस्टन बहुत एडमायर करते थे, सो वर्किंग विद हिम मेड क्रिस्टन फील बेटर अबाउट हिज एक्टिंग। जिनको नहीं पता, केनेथ ब्रनाग वही एक्टर हैं जिन्होंने रिसेंटली टेनेट में विलेन का रोल प्ले किया था। कुबारोव, पुट थाई फेस बिटवीन हिज शीट्स एंड डू द ऑफिस ऑफ अ वार्मिंग पैन। अवे यू रोग। फेस, ही इज वेरी इल।
Number 7. During the 90s, Kristen acted in several films like Little Women, Secret Agent, A Midsummer Night's Dream, जिसमें उनका supporting role होता था. इन सारी films में Kristen की performance को उतना recognize नहीं किया गया, and somewhat he was being typecast as an actor जो सिर्फ supporting role play करता है. इस इमेज को ब्रेक उन्होंने फिल्म अमेरिकन साइको से किया था. अमेरिकन साइको में वो एक सीरियल किलर का रोल प्ले करते हैं, एंड आफ्टर दिस फिल्म एवरीथिंग चेंज्ड फॉर क्रिस्टन बेल. Tonight I just had to kill a lot of people and Number 8. अमेरिकन साइको के लिए पहले लियोनार्डो डी कैप्रियो को कास्ट किया जाने वाला था, पर उन्होंने लास्ट मोमेंट पर फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था. लियोनार्डो को उस वक्त डैनी बॉयल डायरेक्टेड द बीच ऑफर हुई थी, और उन्होंने द बीच को अमेरिकन साइको की जगह चूज किया. बाद में पैट्रिक बेटमैन का रोल कई एक्टर्स को ऑफर किया गया, पर सबने इसकी डार्क नेचर की वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया. लास्ट में क्रिस्टन बेल को ये फिल्म ऑफर हुई, एंड ही टोटली लव्ड हिज कैरेक्टर. उन्होंने जिस तरह से पैट्रिक का कैरेक्टर प्ले किया है, उसे यंग एक्टर्स आज भी इंस्पिरेशन लेते हैं. इफ यू हैव सीन अमेरिकन साइको, देन डू गिव अस योर ओपिनियन इन द कमेंट्स. कीप योर आईज ओपन. नंबर 9. After winning the hearts of the audience in American Psycho, Kristen Bell was seen in the film The Machinist. इस फिल्म के लिए क्रिस्टन को फिजिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना था. उनको अपने कैरेक्टर के लिए अराउंड 30 किलोग्राम्स वेट लूज करना पड़ा. क्रिस्टन ने इतना वेट लूज कर लिया था दैट ऑडियंस वाज शॉक्ड व्हेन दे सॉ हिम इन द फिल्म. फिजिकली ऐसे दिखने के लिए क्रिस्टन हर रोज सिर्फ एक एप्पल खाया करते थे और कुछ भी नहीं. जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस ही मेड ऑन हिज डाइट फॉर जस्ट वन कैरेक्टर. द मशीनिस्ट को भी क्रिस्टन बेल की आइकॉनिक फिल्म्स में गिना जाता है, एंड वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म. फनी यू शुड से दैट. गाइस एट वर्क डोंट थिंक यू एग्जिस्ट. नंबर 10. द मशीनिस्ट के बाद क्रिस्टन को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ऑफर आया. उनको बैटमैन के रोल के लिए ऑडिशन करने का चांस मिल रहा था. क्रिस्टन का ऑडिशन बहुत अच्छा गया और उनको फिल्म बैटमैन बिगिंस में कास्ट कर लिया गया. मगर क्रिस्टन का सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो फिजिकली बैटमैन जैसे दिखे. वो अभी द मशीनिस्ट की शूटिंग से फ्री हुए थे और तब वो बहुत स्किनी थे. बैटमैन के लिए उन्होंने 45 किलोग्राम्स वेट पुट ऑन किया था, एंड ही हैड टू लुक मस्कुलर इन दिस फिल्म. क्रिस्टन को जब ऑडियंस ने पहली बार देखा, दे वर कन्विंस्ड कि क्रिस्टन ही बैटमैन के लिए परफेक्ट चॉइस है. नंबर 11. जब बैटमैन बिगिंस रिलीज हुई तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सक्सेसफुल रही. ऑडियंस ने इस टाइप की सुपर हीरो मूवी जिसमें फैंटेसी के साथ रियलिज्म का भी टच हो बहुत कम देखी थी. सबको ही क्रिस्टन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी, और बाद में फिल्म के दो और पार्ट्स रिलीज हुए जहां क्रिस्टन कंटिन्यूड प्लेइंग द रोल ऑफ द बैटमैन. यहां पर क्रिस्टन और बैटमैन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि क्रिस्टन पहले नॉन अमेरिकन एक्टर हैं जिन्होंने बैटमैन का कैरेक्टर प्ले किया है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्रिस्टन ने अपने तीनों बैटमैन मूवीज में सारे स्टंट्स खुद किए थे. We all loved Christian Bale as the Batman, and in our opinion, his performance will be remembered forever. It's officially confirmed now ki future mein Batman Christian Bale nahi honge, but someday we will love to see him playing the Batman again. Will you be wanting the bat pod, sir? In the middle of the day, Alfred? Not very subtle. The Lamborghini, then? Much more subtle. What are your thoughts? Do let us know. Kya aap Christian ko dobara Batman ke role mein dekhna chahoge? The hell are you supposed to be? Number 12. Kristen, after working in Batman Begins, was really impressed with the working style of Christopher Nolan. वो नोलन के साथ और भी मूवीज में काम करना चाहते थे, और जब उनको पता चला कि नोलन एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कॉल्ड द प्रेस्टीज बना रहे हैं, तो उन्होंने नोलन को रिक्वेस्ट किया कि वो उनको भी फिल्म में कास्ट कर ले. फिल्म में वो डबल रोल में नजर आते हैं, वेयर एवरीवन लव्ड हिज कैरेक्टर जस्ट एज द फिल्म. आज भी द प्रेस्टीज बहुत सारे सिनेफाइल्स की फेवरेट मूवीज में आती है, एंड वी आर श्योर अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म. इसीलिए कमेंट्स में अपना ओपिनियन इस फिल्म के रिगार्डिंग जरूर दें. नो मोर सीक्रेट. Secrets of my life. नंबर 13. फिल्म रेस्क्यू डॉन एक सर्वाइवल फिल्म थी जहां क्रिस्टन का कैरेक्टर अपने सर्वाइवल के लिए कई ऐसी चीजें करता है जो ह्यूमनली हमें पॉसिबल भी नहीं लगती. दिस फिल्म वॉज बेस्ड ऑन रियल स्टोरी, एंड क्रिस्टन न्यू दैट ही हैड टू गिव हिज बेस्ट. फिल्म में एक सीन आता है जहां हिज कैरेक्टर इज स्टार्विंग, और अपनी भूख को मिटाने के लिए वो वॉर्म्स खाने लग जाता है. लेट अस टेल यू कि क्रिस्टन ने रियलिटी में भी इस सीन के लिए वॉर्म्स खाए थे. And I'll tell you what. I'm not going to let you out of your handcuffs tonight. Okay?
नंबर 14, ऑडियंस में द डार्क नाइट बैटमैन ट्रायलॉजी में सबसे बेस्ट मूवी मानी जाती है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था जोकर का कैरेक्टर, जिसको हीथ लेजर ने प्ले किया था। हीथ की परफॉर्मेंस इतनी ब्रिलियंट थी कि उन्हें इसके लिए ऑस्कर भी दिया गया। क्रिस्टन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा से हीथ लेजर के फैन रहे हैं और बाद में दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। क्रिस्टन सेट की वो दोनों 2007 की फिल्म आई एम नॉट देयर के सेट्स पर मिले थे और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। द डार्क नाइट रिलीज होने के बाद क्रिस्टन ने हीथ की परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया था एंड इवन सेड दैट हिज परफॉर्मेंस इज वे बेटर देन माइन। सो व्हाट आर यू प्रपोजिंग? इट्स सिंपल, किल द बैटमैन। नंबर 15, हीथ लेजर की डेथ क्रिस्टन के लिए बहुत शॉकिंग थी। वो उनकी डेथ से इतना अफेक्ट हो गए थे कि उन्होंने कई दिनों तक किसी भी मूवी की शूटिंग नहीं की और ना ही मीडिया में कोई हीथ की डेथ से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया। क्रिस्टन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लिए ग्रीफ बहुत पर्सनल चीज है और वो इसको किसी के साथ शेयर नहीं करते। आफ्टर हीथ्स ट्रेजिक पासिंग, क्रिस्टन लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज होम एंड स्पेंड टाइम रिमेम्बरिंग हिम बाय वॉचिंग हिज मूवीज। नंबर 16, बैटमैन के बाद क्रिस्टन को एक और बिग बजट फिल्म मिली थी जो टर्मिनेटर सैल्वेशन थी। क्रिस्टन एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा से ही टर्मिनेटर मूवीज के फैन रहे हैं और जब उन्हें टर्मिनेटर सैल्वेशन में काम करने का ऑफर आया तो वो बहुत खुश थे। He said it was a dream come true moment for him. हालांकि the movie didn't perform well at the box office, but इस फिल्म में भी क्रिस्टन की परफॉर्मेंस को प्रेज किया गया था। नंबर 17, क्रिस्टन हर कैरेक्टर को कन्विंसिंगली प्ले करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। He believes that he should not only feel like the character, but also physically look like the character. इसलिए जब उन्होंने फिल्म The Fighter में एक बॉक्सर का रोल मिला, तो क्रिस्टन ने इस रोल के लिए अराउंड 15 किलोग्राम्स वेट लूज किया। His performance in the movie The Fighter is considered one of the best, और इस रोल के लिए उन्होंने अपना पहला ऑस्कर जीता था। Chance to do something that I never did, and he needs me. नंबर 18, क्रिस्टन बेल ने टाइटैनिक और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी फिल्म्स के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन किसी न किसी वजह से वो फाइनल फिल्म का पार्ट नहीं बन पाए। इनफैक्ट उन्होंने फेमस जेम्स बॉन्ड फिल्म कैसीनो रॉयल के लिए भी ऑडिशन दिया था और वो फाइनल राउंड में भी जा पहुंचे थे, बट ही लॉस्ट द रोल टू डेनियल क्रेग। वेल, वी ऑल लव डेनियल क्रेग इन द रोल ऑफ जेम्स बॉन्ड, बट इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग टू सी क्रिस्टन बेल एज एन MI6 एजेंट। वी होप क्रिस्टन प्लेज एन एजेंट इन सम फिल्म इन द फ्यूचर। उन पे ये रोल बहुत सूट करेगा। Number 19. One of the most interesting facts about Kristen is that he actually holds the record for most weight loss and most weight gain for film roles. Kristen अपने character की तरह दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। For example, जब उन्होंने film American Hustle में con man का character करना था, तो उन्होंने weight gain के अलावा अपने head भी shave कर लिया। इसके अलावा उनके character को height में थोड़ा छोटा दिखना था, तो उसके लिए he made a posture जिससे camera पे he looked shorter than real life. आप भी हमें बताएं कि आपको उनकी परफॉर्मेंस इन द फिल्म अमेरिकन हसल कैसी लगी। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस अप्रोच टेकन बाय हिम? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 20, क्रिस्टन ने अपने अमेरिकन हसल लुक पर इतनी मेहनत की थी कि वो एक पॉइंट पर बिल्कुल ही अनरिकॉग्नाइजेबल हो गए थे। इसके बारे में फेमस एक्टर रॉबर्ट डी निरो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जब अमेरिकन हसल की शूटिंग करने गए थे तो वो क्रिस्टन को इस लुक में रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। डी निरो क्रिस्टन का ये लुक देखकर बहुत इंप्रेस हुए थे एंड ही कॉम्प्लीमेंटेड दैट क्रिस्टन इज ट्रूली मास्टर इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। नंबर 21, जैसा कि हमने बताया कि क्रिस्टन एक मेथड एक्टर हैं और वो अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि 2014 में आई फिल्म एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स में, जहां वो प्रॉफिट मोसेस का रोल प्ले करते हैं। इस कैरेक्टर को अच्छे से समझने के लिए उन्होंने बहुत से रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े थे, जैसे कि द बाइबल, द होली कुरान और जोनाथन किर्श की फेमस बुक मोसेस अ लाइफ। नंबर 22, द बिग शॉट मूवी में क्रिस्टन एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जहां ही एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस एंड एंगर बाय प्लेइंग ड्रम्स। ड्रम सीखने के लिए क्रिस्टन ने एक कोर्स में एडमिशन लिया था, जहां पर उन्होंने ड्रम सिर्फ 2 वीक्स में ही बजाना सीख लिया था। द बिग शॉट में उनके काफी सीन्स हैं जहां पर वो ड्रम्स बजा रहे हैं एंड नो डाउट ही इज आउटस्टैंडिंग इन दीज सीन्स। नंबर 23, 2019 में क्रिस्टन हमें दिखाई दिए थे इन द फिल्म फोर्ड वर्सेस फरारी।
ये फिल्म ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को ही बहुत अच्छी लगी थी एंड एवरीवन प्रेज क्रिस्टन्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म। अपने कैरेक्टर की प्रेपरेशन के लिए उन्होंने रियलिटी में रेस ड्राइविंग सीखी थी। फिल्म के ड्राइविंग सीन्स को क्रिस्टन ने खुद ही परफॉर्म किया है, विच अमेजेस अस टू दिस डे, क्योंकि ज्यादातर रेसिंग फिल्म्स में स्टंट डबल्स ये चीजें करते हैं। आर देयर एनी फोर्ड वर्सेस फेरारी फैंस वॉचिंग दिस वीडियो? इफ यस, देन डू ड्रॉप अ कॉमेंट। बिल्ड अ कार टू बीट फेरारी विद अ फोर्ड। करेक्ट। नंबर 24। 1994 में क्रिस्टन ने लिटिल वुमन फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले किया था। इट वाज अ रूटीन फिल्म फॉर क्रिस्टन बैक देन, पर इसी फिल्म के थ्रू वो अपनी वाइफ सिबी ब्लाजिक से मिले थे। हुआ यूं कि फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस वायोना राइडर की सिबी असिस्टेंट थी और वहां से दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया। आफ्टर डेटिंग फॉर 6 years दे गॉट मैरिड इन द ईयर 2000। इट हैज बीन मोर देन 20 years ऑफ देयर मैरिज और आज भी दोनों पब्लिक अपीयरेंस में साथ नजर आते हैं, विच इज क्वाइट रेयर इन हॉलीवुड। द कपल शेयर्स अ वेरी डीप बॉन्ड एंड इज ऑल्सो पेरेंट्स टू 2 children। नंबर 25। क्रिस्टन को आज जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, इट्स बिकॉज ऑफ हिज पोर्ट्रेयल ऑफ द बैटमैन। एंड नाउ क्रिस्टन इज रिटर्निंग टू द सुपर हीरो जॉनरा वंस अगेन, नॉट विद द बैटमैन बट विद मार्वल्स फिल्म थॉर लव एंड थंडर। इस मूवी में हम उनको एक नेगेटिव कैरेक्टर में देखेंगे एंड वी आर श्योर दैट ही विल डू एन अमेजिंग जॉब। वी आर एक्साइटेड टू सी हिम इन दिस रोल। आर यू? सो दिस इज माय वाउ। ऑल गॉड्स विल डाई। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी फेवरेट क्रिस्टन बेल फिल्म कौन सी है। वी आर श्योर दैट इट्स डिफिकल्ट टू मेंशन अ फेवरेट, सो यू कैन टेल अस योर टॉप 3 फेवरेट फिल्म्स ऑफ क्रिस्टन। वी आर होपिंग टू गेट सम इंटरेस्टिंग रिप्लाइज, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। इसके अलावा अगर आप अपने फेवरेट एक्टर पर फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिस एक्टर पर सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे हम उस एक्टर पर जरूर फ्यूचर में एक फैक्ट वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए दैट्स इट अप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।